हेलो, सबका स्वागत है अपना चैनल पे। तो सीपीसीएल की तरफ से बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट आपके लिए आई है। टोटल 6 लाख सैलरी आपका होने वाला है पर एनम। जूनियर इंजीनियर का पोस्ट है। टोटल 28 वैकेंसीज है। अगर आपने डिप्लोमा और बीएससी किया है तो आप एलिजिबल हो। ब्रांचेस क्या क्या है तो केमिस्ट है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ट्रिपल ई और इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, तो अभी हम जानकारी देने वाले हैं डिटेल में, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एज ऑलवेज हम क्या देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है नोटिफिकेशन का। तो फर्स्ट तो है कि आपका 60% एग्रीगेट चाहिए अगर बीएससी में अप्लाई कर रहे हो तो, बीएससी में नहीं तो डिप्लोमा में। ठीक है, ओपन ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 60% है, 50% आपका एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जिन्होंने बीई बीटेक किया है वो एलिजिबल नहीं है। तो जिन्होंने भी डिप्लोमा के बाद अगर बीई बीटेक किया है तो आपको बीई बीटेक को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। ओके, और आपको एज अ डिप्लोमा बेसिस पे ही अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये कंपलसरी है। ओके, बीई बीटेक वाले एलिजिबल बिल्कुल नहीं है। प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है, तो सीबीट रहने वाला है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है सिर्फ एग्जाम के बेसिस पे और मेडिकल टेस्ट वगैरह, डॉक्टर वेरिफिकेशन जो भी अपना नॉर्मली होता ही है उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। पोस्टिंग जो है वो मोस्टली आपका बैंगलोर में रहेगा और एग्जाम सेंटर भी आपके जो 4 सेंटर है उन्होंने लिस्ट दिया है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा वो। और आपको एक ही पोस्ट पे अप्लाई करना है, मल्टीपल पोस्ट है, कुछ ब्रांचेस मतलब 2 पोस्ट के लिए भी एलिजिबल है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, तो हम एग्जाम सेंटर का लिस्ट देख लेते हैं क्विकली। तो चेन्नई, त्रिची, मदुराई एंड कोयम्बटोर, ये 4 आपके एग्जाम सेंटर होने वाले हैं। ठीक है, तो बाकी कैंडिडेट को डेफिनेटली ट्रैवल करना पड़ेगा और जो इन सिटीज से है, इन स्टेट से है, तो डेफिनेटली आप ट्रैवल कर सकते हो। कट ऑफ डेट है एज का 1st of February 2022। जनरल ईडब्ल्यूएस 26 है, ओबीसी 29 है, एसएससी 31 है, पीडब्ल्यू 36, जनरल ओबीसी 39, एसएसटी 41 है। इंपॉर्टेंट एज क्या है, तो फॉर्म स्टार्ट होने वाला है और ऑलरेडी हो चुका है 24th of March को। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में आपको फॉर्म का लिंक देने वाला हूं मैं। वो आपको क्या करना है, उधर जाके फॉर्म भरना है। कुछ भी डाउट होता है फॉर्म फिलिंग में तो पहले इस वीडियो के नीचे क्या करना है, कमेंट करना है, मैं आपको रिप्लाई दूंगा और फिर जो आपका डाउट होगा वो रिजॉल्व होने के बाद आपको फिर से फॉर्म भरना है। ठीक है, फॉर्म प्रॉपरली भरो नहीं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, एंड होने वाला है 14th of April तक और एग्जाम डेट का टेंटेटिव तारीख है आपका 8 मई। ठीक है, 8 मई को आपका एग्जाम होने वाला है, टेंटेटिव तारीख है, लेकिन इसको आप फिक्स मान के चलेंगे और डेफिनेटली अपना स्ट्रैटेजी जो भी इसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। ठीक है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपीज़ फी है, थोड़ा ज़्यादा फी रखा है। एसएससी वुमेन, पीडब्ल्यूडी, एक्सर्विसमैन सबके लिए फी बिल्कुल भी नहीं है। अभी हम जाने वाले हैं कैटेगरी वाइज और ब्रांच वाइज ब्रेकडाउन वैकेंसीज का। तो फर्स्ट जो है प्रोडक्शन के लिए पोस्ट है। ठीक है, आपका पोस्ट का नाम क्या है, जूनियर इंजीनियर प्रोडक्शन, जिसके लिए टोटल 16 वैकेंसीज है। तो ओपन के लिए 8 दिया है, एससी 1, एसटी 6, इधर एससी नहीं है, एसटी नहीं है, ओबीसी 5 और ईडब्ल्यूएस 2, और इसमें जो है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है। क्वालिफिकेशन, अगर आपने डिप्लोमा केमिकल में, पेट्रोलियम में, पेट्रोकेमिकल में और बीएससी किया है केमिस्ट्री में, तो डेफिनेटली इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, जूनियर इंजीनियर प्रोडक्शन। सेकेंड जो पोस्ट आपका है वो है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, जिसके लिए टोटल 5 वैकेंसीज है, ओपन 2 है, एससी 1 है, एसटी 0 है, ओबीसी 2 है और ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं है। तो फिर एसटी और ईडब्ल्यूएस वालों को आपको ओपन में अप्लाई करना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स आप इधर एलिजिबल हो तो 2 वैकेंसी आपके लिए रिजर्व की गई है, तो इसमें डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। और जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा किया है मैकेनिकल में वही इसके लिए एलिजिबल है, डेफिनेटली परसेंटेज का क्राइटेरिया तो रहेगा ही। नेक्स्ट जो है जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का पोस्ट है, जिसके लिए टोटल 4 वैकेंसीज है और 3 वैकेंसी ओपन में है और सिर्फ 1 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस में है। तो एससी एसटी ओबीसी वालों को आपको यूआर में अप्लाई करना पड़ेगा और पीडब्ल्यूडी के लिए भी 2 वैकेंसी रिजर्व की है, तो जो भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स है वो आप एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए, टेंशन की जरूरत नहीं है। जिन्होंने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल और ट्रिपल ई में किया है, इलेक्ट्रिकल है इलेक्ट्रॉनिक्स में, आप एलिजिबल हो। नेक्स्ट जो पोस्ट है आपका जूनियर इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन का है, इसके लिए जो है टोटल 2 वैकेंसी है, वो सिर्फ और सिर्फ यूआर में है, पीडब्ल्यूडी के लिए नहीं है वैकेंसी इधर रिजर्व। तो बाकी सभी कैटेगरीज को ओपन में अप्लाई करना पड़ेगा, दूसरा आपके पास ऑप्शन नहीं है। डिप्लोमा अगर आपने इंस्ट्रूमेंटेशन ईएनआई में किया है, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल में किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, ओके, तो इस पोस्ट को आपको अप्लाई करना है, जूनियर इंजीनियर इंस्ट्रूमेंटेशन पोस्ट है। नेक्स्ट जो है जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, ठीक है, ये अलग पोस्ट है, इसके लिए 2 वैकेंसी है। तो जैसे मैं आपको बोला कि कोई भी आप एक फॉर्म भर सकते हो, तो आपको अभी चूज करना पड़ेगा, आइदर इस पोस्ट कोड को आप भर सकते हो CPCL 9 और जो पहले बताया वो अलग पोस्ट कोड था। ठीक है, तो इधर 2 वैकेंसी है, जिन्होंने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल में आप एलिजिबल हो। तो प्रॉपरली सोच समझ के ही दोनों में से एक पोस्ट को फॉर्म भरो। ओके, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना है वो मतलब प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी है, लेकिन बाकी भी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, तो प्रॉपरली सोचो और फिर फॉर्म भरो। और नेक्स्ट जो इलेक्ट्रिकल का है, 2रा वैकेंसी है, तो दोनों में से आप एक फॉर्म भर सकते हो, इसमें एक ही वैकेंसी है और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एलिजिबल है। ओके, पहले पोस्ट में इलेक्ट्रिकल के साथ साथ ट्रिपल ई वाले भी एलिजिबल थे, लेकिन इस पोस्ट के लिए जो कि CPCL 10 है, ट्रिपल ई वाले एलिजिबल नहीं है। ओके, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई करेंगे इधर।
अभी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है आपका एग्जाम पैटर्न, तो टेक्निकल के आपके 70 क्वेश्चन आने वाले हैं, आपके ब्रांच के अकॉर्डिंग आपका टेक्निकल होने वाला है, ठीक है, जो भी आपने डिप्लोमा में पढ़ा है। और जनरल के हैं आपके टोटल 50 क्वेश्चंस, तो जनरल में आपका क्या क्या है, एक तो एप्टीट्यूड होएगा, बाद में आपका रीजनिंग है इसमें, ठीक है, बाद में आपका क्या है इसमें इंग्लिश है और जनरल अवेयरनेस ये है। तो डेफिनेटली स्ट्रैटेजी में पूरा डिस्कस करूंगा मैं क्या कर कैसे पढ़ाई करना है क्या करना है, ठीक है। टोटल क्वेश्चन 120 है, टोटल ड्यूरेशन 120 मिनट्स है, टोटल मार्क्स 120 है, नेगेटिव मार्किंग 0.25 का होने वाला है, लैंग्वेज आपका इंग्लिश है, सेक्शनल कट ऑफ टाइमिंग कुछ भी नहीं है। कि पूरा डिटेल में स्ट्रैटेजी में हम डिस्कस करेंगे कैसे आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, तो उसके लिए आपको बने रहना है चैनल के साथ। कुछ भी डाउट है, ठीक है, तो मतलब आराम से आप कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। फॉर्म अच्छे से भरो, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्म अच्छे से भरना, ठीक है। बाकी किसी भी रिक्रूटमेंट के रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेरी है डेफिनेटली नीचे कमेंट कर सकते हो, और अगर कुछ भी मुझे पूछना है और किसी भी बारे में तो डेफिनेटली इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हो। ऑल द बेस्ट।